और तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा भाई, ये है एक नॉर्मल टायर जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारी बाइक कार उसके ठीक है चलने के लिए, हमारा इसका काम आता है ठीक है, आपको तो मालूम होगा ठीक है टायर है ये। लेकिन आज हम लोग हमारा जो पंखा है ना, इस पंखे के अंदर उसको हम अटका देंगे, मतलब पंखड़ियों के ऊपर इस पंखे को ऐसे टांग देंगे, उसके बाद में आपको हमारा पंखा चलेगा। तो भाई इस टायर के समय क्या होगा, पंखा रोटेट जब घूमेगा तो गिरेगा या नहीं गिरेगा या फिर इसमें कोई दिक्कत आएगी, डिसबैलेंस होगा, वो हम आज चेक करने वाले ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं इसको इसमें सेटअप करता हूँ, ऐसे नहीं सब पंखड़ी खोल करता हूँ, और आप लोगों का वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर जो है हमारे सिर्फ एक ही पंखुड़ी रह रही है ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, हमारा जो टायर है उसको अंदर डालते हैं। तो ये रहा हमारा गाइस टायर, मतलब सिर्फ टायर की बॉडी है। अब इसको लेते हैं इस तरीके से ठीक है। तो भाई अब हमारा सारा सेटअप जो है रेडी हो चुका है, हमने अपने इस टायर को अंदर घुसा दिया है, कैसे के जुगाड़ ठीक है, अभी बाहर निकल ही नहीं सकता। शुरू करते हैं वीडियो को, आप लोग ध्यान से देखना, और यहाँ पर सब कुछ भी घर पर ट्राई बिल्कुल भी मत करना ठीक है। गाइस पंखे को देखो, आपको बंद कर बंद कर बंद कर। हमारी यार पंखुड़ी है जो टेढ़ी हो चुकी थी, लेकिन पंखा काफी ज्यादा स्लो चल रहा था। ऐसा इसलिए चल रहा था क्योंकि इसके ऊपर जो है टायर का वेट है, क्योंकि यार वेट टैग है ना, हल्का तो है नहीं। एक बार दिखा रहे हैं घुमा के, अब गाइस थोड़ा बहुत ठीक घूम रहा है क्योंकि हमारा जो टायर है बैलेंस में आ चुका था इसलिए ठीक है। स्पीड देखो हल्की से, हवा बिल्कुल भी नहीं दे रहा। एक ओवर घुमाता हूँ, अरे घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन जो हमारा टायर है साइड में नहीं गिर रहा क्योंकि बैलेंस पे आ चुका है, देख लो आप ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में भाई पूरा बिगड़ गया ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो चलो लाइक जरूर करना, चलो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।